हाउ टू टेक योर $100 वाली कॉपी राइटिंग ये करंट साइड हसल टू $10,000 पर मंथ वाला बिजनेस, इसके ऊपर आज बात करेंगे। अब ये बहुत सारे कॉपी राइटर्स को बॉदर करता है कि वो अपना पहला $100 जो कि मुश्किल होता है बनाना उस तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर वो कभी भी $10,000 की सीलिंग तक नहीं पहुंच सकते। और उसकी जो जर्नी है वो चूंकि अभी तक किसी ने आज तक डिफाइन ही नहीं की हुई है, तो आज मैं आपके साथ वो सारी जर्नी शेयर करूंगा। 3 स्टेप्स आपके साथ, ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जो आप बस इंप्लीमेंट करते जाएं कंसिस्टेंसी से, एफर्ट से, और इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेंगे एंड यू विल बी एबल टू क्रॉस $10,000 पर मंथ फ्रॉम योर कॉपीराइटिंग इनकम। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला काम, step 1 फॉर यू गाइज, इज टू प्रोडक्टाइज योर ऑफर। प्रोडक्टाइजिंग योर ऑफर का मतलब है कि बजाय इसके कि आप एक आधा क्लाइंट ढूंढो, कोई एड का क्लाइंट ढूंढ लिया, किसी के लिए VSL लिख दिया, किसी के लिए कोई लैंडिंग पेज लिख दिया, कोई स्क्रिप्ट लिख दी, एक एक करके प्रोजेक्ट ढूंढना छोड़ें और अपनी पूरी जो ऑफर है उसको प्रोडक्टाइज करके पूरे क्लाइंट के सामने पेश करें। शिव शेट्टी इसको कहता है बफे मॉडल। इसमें क्या होता है कि आप क्लाइंट्स को $3,000 से $5,000 का महीने का, $3,000 से $5,000 पर मंथ का रिटेनर ऑफर करते हो इन एक्सचेंज फॉर राइटिंग ऑल ऑफ द कॉपी फॉर देयर ब्रांड फॉर द एंटायर मंथ। इसका फायदा क्या होता है क्लाइंट को, उसकी सरदर्दी खत्म, कि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के लिए उसको 50 बंदे नहीं हायर करने पड़ेंगे, आप उसके ब्रांड की टीम का हिस्सा बन जाते हो, क्लाइंट को भी पता होता है यार जो भी काम करना है इसने करना है, वो एड हो, लैंडिंग पेज हो, सेल्स पेज हो, ईमेल हो, जो मर्जी हो आपने करना है, वो क्लाइंट को भी पता है। अब चलते हैं step 2 की तरफ। क्लाइंट जो है उसको आपको ट्रेन करना और अपनी उसमें पूरे बिजनेस के स्फेयर में एडजस्ट करना और ऐड करना बड़ा आसान हो जाता है, और आप उसके ऐसा इंटेग्रल मेंबर बनते हो कि कल को आप उसको, आपको वो फर्क भी नहीं कर सकता, आपको वो नौकरी से निकाल भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जिस तरह से आप उसके ब्रांड के लिए काम कर रहे हो वो नया बंदा ऑनबोर्ड करेगा, वो स्क्रैच से करेगा। तो इस वजह से एक बुफे मॉडल ऑफर करना अपने क्लाइंट्स को वो बेहतरीन होता है। इसमें अमूमन क्या किया जाता है कि पहले महीने की ट्रायल ऑफर दी जाती है, अभी $1,000 में मैं आपकी पूरी कॉपी इस महीने लिखूंगा, और उनको अपफ्रंट बताया जाता है कि वंस वी आर डन विद दैट मेरा रिटेनर जो है वो फिक्स्ड हो जाएगा $3,000 का या $5,000 का, डिपेंडिंग अपॉन द वर्कलोड। अब उस $3,000 से $5,000 में जितना भी काम है ना क्लाइंट का, वो सारा आपने करना है। तो जब आपने ऑफर बना दी, प्रोडक्टाइज कर दिया, तो स्केल करना भी आसान है फिर उतना ही इसको, कि आप सपोज करो अब आपको $10,000 के लिए कितने क्लाइंट चाहिए, अगर $3,000 पर मंथ चार्ज कर रहे हो तो 3 चाहिए, अगर 5,000 कर रहे हो तो 2 चाहिए, 2 क्लाइंट्स वो भी रिटेनर वाले लॉन्ग टर्म। तो जब आप प्रोडक्टाइज कर देते हो चीजों को तो आपका बहुत ज्यादा सीन ऑन हो जाता है। तीसरा क्या होता है वो ये है कि फाइंडिंग योर राइट ऑडियंस। अब वो फाइंडिंग योर राइट ऑडियंस, बहुत सारे कॉपी राइटर्स को मैं देखता हूँ वो गलत कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, लिंक्डइन और फेसबुक में देखा होगा वो पोस्ट लगाते हैं, इंस्टेड ऑफ यू नो हैविंग एन ऑडियंस ऑफ पीपल हु कुड हायर देम, दे हैव एन ऑडियंस ऑफ पीपल हु वांट टू लर्न कॉपी राइटिंग। तो उसका उनको कोई फायदा नहीं है, आपने तो क्लाइंट्स को सर्विसेज ऑफर करनी है। $3,000 $5,000 क्या वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं जो आपकी कमेंट कर रहे हैं और आपकी क्लाइंट्स में नहीं है? लिहाजा आपने ऐसे लोग अपनी लिस्ट में ऐड करने हैं, अपनी ऑडियंस बनानी है जो कि आपको पोटेंशियली हायर कर सकते हैं। इसको हम मुख्तलिफ स्टेप्स में करते होते हैं, और ऑडियंस बिल्ड करने के जो बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं वो फेसबुक और लिंक्डइन है। इन दोनों में से आप किसी पे, आइडियली लिंक्डइन पे कर लें, और उनको प्रॉपर तरीके से करने के 5 स्टेप्स मैंने आपके लिए आज बनाए हैं, आपको बहुत अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह, और आप इंप्लीमेंट करेंगे तो फायदा होगा। सबसे पहला स्टेप है पिक अ नीश। सपोज करो आपने फैसला कर लिया लिंक्डइन पे मैंने काम करना है, अपनी ऑडियंस बनानी है, नीश सेलेक्ट कर लो। नीश सेलेक्ट करोगे ताकि अगले बंदे को पता हो कि मेरे काम का बंदा है, आपको पता हो अगला बंदा मेरे काम का, वरना उसको भी नहीं क्लू होगा, आपको भी नहीं होगा। लिहाजा इन प्लेटफॉर्म्स पे ऑडियंस बनाने के लिए नीश सेलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। योर नीश कैन बी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, ई-कॉम, ट्रैवल, जो भी आपको फाइनेंस में कुछ भी आपको पसंद आता हो, यार ये मैं करना चाहता हूँ, या इसमें मेरा नैक, वो पहले $100 जो आपने कमाया उसमें जिस नीश में काम किया है अब वो उसी को नीश बना लो, पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप है कि आपने एक बहुत प्यारी सी बायो लिखनी है, वो ये हो सकती है कि आई हेल्प इन्फो मार्केटर्स फिल एंड एंगेज देयर ईमेल लिस्ट, या वो ये हो सकती है कि आई हेल्प ई-कॉम ब्रांड्स गेन मोर अट्रैक्शन थ्रू पावरफुल एडवर्टोरियल। जरूरी नहीं है आप कॉपी टाइप पे भी हो, अपनी एक नीश ही डिफाइन कर लें अगर, तो वही बहुत है। ये 2 स्टेप्स हो गए। तीसरे स्टेप पे आते हैं, अपनी उस नीश के top 10 इन्फ्लुएंसर्स ढूंढ लो कौन कौन। सपोज करो अगर मैं बिजनेस की बात करता हूँ, एलेक्स हरमोजी, अली अब्दाल, जस्टिन वेल्श, चेस डिमांड भी चलो इन अ सेंस कर लो। अब सपोज करो ये बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उस नीश के जिसको आप टारगेट कर रहे हो, ये हेल्थ में हो, जिस नीश में, आपने इन सबको फॉलो कर लें। इनको फॉलो करने के बाद आपने इनकी पोस्ट्स के ऊपर इंगेज करना है, इनसाइटफुल अच्छे अच्छे कॉमेंट्स
कमेंट्स करने हैं, और उससे क्या होगा, एक घंटा आपने दिन में इस चीज को डिवोट करना है इन्फ्लुएंसर की पोस्टों पे कमेंट करने से। उससे क्या होगा कि आप पर्टिकुलर नीच में लोगों के सामने उभरते हुए नजर आओगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, आपकी लाइक कमेंट लाइक करेंगे, आपको कोई रिक्वेस्ट भेजेगा, आपसे कोई ऐड होगा, आपको कोई फॉलो कर लेगा, इस तरह से ही चलेगा। फोर्थ स्टेप आपने करना है, यू स्टार्ट पोस्टिंग एवरी डे अबाउट व्हाट यू नो अबाउट कॉपी राइटिंग और द वे इट कैन हेल्प दैट पर्टिकुलर नीच। इट हैज टू बी सुपर टारगेटेड, इधर उधर की कोई बात नहीं करनी। अगर सपोज करो आपकी हेल्थ नीच है, ऐसे लोग हैं जो जिम ओनर्स हैं और उनको आपने उनके आप नीच सेलेक्ट की हुई है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ जिम के ऊपर बात करोगे, जिम ओनर्स की कॉपी राइटिंग, जिम ओनर्स की ब्रांड बिल्डिंग, जिम ओनर्स के जो भी स्ट्रेटजीज आपने उनको शेयर करनी है वो आप अपने लिंक्डइन पे पोस्ट करोगे, और वो जो इन्फ्लुएंसर से लोग आपके पास आ रहे होंगे वो फिर उस पर एंगेज करेंगे। फिर बैंड वैगन इफेक्ट क्रिएट होगा कि जब एक बंदा देखेगा ये कर रहा है तो दूसरा भी करेगा, फिर तीसरा देखेगा, और करते करते आप विद इन दैट नीच कॉपी राइटिंग के एक्सपर्ट बन जाओगे। इट विल टेक यू प्रॉब्ली 6 to 8 months इफ यू डू इट एवरी सिंगल डे एंड विद कंसिस्टेंसी। क्या मैं ये बता दूं कि आपने पोस्ट क्या करना है, इट कैन बी योर टेस्टिमोनियल, जो एक कुछ बंदे ने $100 कमाने में टेस्टिमोनियल है वो, इट कैन बी योर विन के आज मैंने ये काम किया, इट कैन बी योर स्ट्रगल के इस प्रोजेक्ट में ये मुश्किल थी मैंने ऐसे ओवरकम किया, इट कैन बी योर स्टोरी बट समथिंग दैट द मार्केट कैन रिलेट टू एज वेल। अच्छा, इस तरह की स्टोरी नहीं होगी मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ और मैं इंजीनियरिंग करने यूईटी के, दे डोंट रिलेट टू दैट, वो मार्केट की स्टोरी नहीं है। मार्केट की स्टोरी है कि जी मैंने अपना बिजनेस शुरू किया कॉपी राइटिंग का या कोई भी, तो उसमें मुझे शुरू में स्ट्रगल हुई, मैंने उसको ऐसे ऐसे ओवरकम किया, इससे वो रिलेट करेंगे। तो योर स्टोरी हैज टू बी समथिंग दैट द मार्केट रिलेट्स, वरना कोई फायदा नहीं। और वंस यू कीप रिपीटिंग दिस, फाइनल चीज है इसको 3 to 6 months रिपीट करना डेली बेसिस पे, शो अप एवरी सिंगल डे, ये करोगे इंशाल्लाह आपको ट्रैक्शन मिलेगी और आपको कस्टमर्स मिलने शुरू हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब जो आपने करना है वो है कि रीच आउट टू पीपल एवरी सिंगल डे। अब क्या हुआ, आपने कंटेंट फ्लाईव्हील बनाया, आपने कंटेंट की अपनी ऑडियंस आप बिल्ड कर रहे हो, उसमें टाइम लगेगा बिफोर इट गेट्स ट्रैक्शन और स्टार्ट गिविंग यू कस्टमर्स। तो उस जो 3 to 6 months का जो गैप है उसको पूरा करने के लिए अब हाथ पे हाथ रख के एक पोस्ट लगा के तो नहीं बैठोगे ना, आप एक्टिव होगे, काम करोगे। वो काम क्या करोगे, कोल्ड आउटरीच। आउटरीच किस तरह से करनी है, दो तरीके हैं, एक मेरा तरीका है और एक वो तरीका जो मार्केट यूज करती है। उसमें पहला जो मेरा तरीका है वो ये है कि आई ऑफर वैल्यू, कि मिसाल के तौर पर मैंने कोई उसी रेलिवेंट नीच में इन्फ्लुएंसर देखा, मैंने देखा उसका एड चल रहा है, मैंने चुप करके उसका एड कॉपी पेस्ट किया गूगल डॉक पे और उस एड में जो भी इंप्रूवमेंट्स हैं अच्छी मेहनत करके इंप्रूवमेंट्स की और उसको कहा कि ये आपका एड है, ये मैंने इंप्रूव किया, इसको ट्राई करें, अगर समझ आता है तो ठीक है बात कर लेंगे, वरना कोई मसला। तो इस तरह से हम मल्टीपल लोगों को अपफ्रंट वैल्यू ऑफर करते हो, लीड विद वैल्यू और फिर दे इवेंचुअली हायर। एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका कोल्ड आउटरीच वाला, आपके पास जो भी टेस्टिमोनियल है, जो भी विन है, जो भी सैंपल है, आपने क्या करना है 50 लोगों को ना दिन में मैसेज करना, हेलो हाउ आर यू, उनकी इंट्रो, उनका इंट्रो लो, उनकी प्रॉब्लम्स पूछो, उनसे पूछो मार्केटिंग कैसे कर रहे हो, अपनी कॉपी राइटिंग कैसे कर रहे हो, मैं आपका लिंक्डइन देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आप डेली पोस्ट करते हो लेकिन इस पर आपकी इंगेजमेंट कम नजर आ रही है, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, मैं आपको इनसाइट शेयर करूँ। इस तरह से आप उनको कोल्ड पिच करो, कोल्ड आउटरीच करो, किसी को डायरेक्ट पिच कर दो कि हाँ भी कॉपी राइटर चाहिए, या किसी को कोई ना कोई उसको उसे कम्युनिकेट कर लो, बात करके देख लो। तो 50 लोगों को दिन में अप्रोच करना, अभी 50 लोग भी मैं काम बता रहा हूँ लेकिन मैं एटलीस्ट कहता हूँ आप शुरू तो करो। तो ये 3 things आप इंशाल्लाह करेंगे आपको बेइंतहा फायदा होगा, दुआएं दोगे। पहला आप प्रोडक्टाइज करो अपनी ऑफर को, बफे मॉडल ऑफर करो, दूसरा अपनी ऑडियंस फाइंड करो और उस ऑडियंस बनाओ स्टेइंग विद इन अ पर्टिकुलर नीच, और तीसरा रीच आउट टू पीपल, हैव कन्वर्सेशंस, हैव कम्युनिकेट विद देम एंड इवेंचुअली ऑफर देम योर सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको इससे वैल्यू मिली होगी। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।